चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ स्फेयर इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड्स विद द हेल्प ऑफ अ कॉर्ड हुज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज 5 times इट्स वेट। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विद विच द स्फेयर कैन मूव अप विदाउट कॉर्ड ब्रेकिंग। तो सबसे पहले एक कॉर्ड है, इसमें एक स्फेयर लगा हुआ है, मान लो ये मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, इसका मास एम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा, और अगर ए एक्सेलरेशन से ये ऊपर एज्यूम कर ले जा रहा है तो सूडो फोर्स नीचे लगेगा एफ पी, उसकी वैल्यू एम इंटू ए होगी। तो नेट फोर्स एफ नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस सूडो फोर्स, और ये वैल्यू होगी एम जी प्लस एम ए। तो एम कॉमन ले लें तो जी प्लस ए, इफेक्टिव एक्सेलरेशन आ गया जी प्लस ए, करेक्ट है। तो इतना फोर्स लगेगा इस स्ट्रिंग पे, ठीक है, इस रोप कहो कॉर्ड कहो जो कहो, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी होगी? 5 times ऑफ द वेट। अगर एम जी ही वेट है, ये इसका वेट है, तो क्या होगा? ये वेट का 5 times, वेट का 5 times मीन्स 5W मीन्स 5 mg। तो इसको अगर सॉल्व करें तो m इंटू जी प्लस m इंटू ए इज इक्वल टू 5 mg, और इसको सॉल्व करेंगे तो m इंटू ए इज इक्वल टू 4 mg, यानी एक्सेलरेशन 4g के इक्वल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है? 4g a वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।